बोलो आप शुरू करो भाई। ऐसा है कि भारत आज़ाद हुए 71 साल हो गए और ये कुम्हार समाज पूरे राजस्थान में 68 लाख की संख्या है और पूरे 68 लाख की संख्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है और 90% हमारे कुम्हार समाज का व्यक्ति आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। और इस जोधपुर संभाग के अंदर जो जालौर सिरे लोकसभा क्षेत्र है, जालौर सिरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसी है, सिरोही, आहोर और सुमेरपुर, उन तीनों विधानसभा में कम से कम 50 से 60 हज़ार वोट कुम्हार समाज के हैं। तो इन बाहुल्य के आधार पर अब समाज जाग चुका है। बाहुल्य के आधार पर अगर कुम्हार समाज को टिकट नहीं दिया तो आने वाले समाज में इन दोनों पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ेगा और समाज अपने स्तर से अपना कैंडिडेट खड़ा करके तन मन धन से और वोट दे करके अपना दमखम दिखाएगा। और टिकट की मांग को लेकर के हम इसी अक्टूबर महीने में कुम्हार कुमाऊँ प्रजापति समाज की करीब लाखों लोगों की तादाद में सिरे में हम रैली करने जा रहे हैं और रैली में इनको दमखम दिखा देंगे कि टिकट देना तो दो, नहीं तो हमारा समाज अब जाग चुका है, समाज के स्तर पर भी कैंडिडेट खड़ा करेगा और उन्हें जिताने के लिए पूरा दमखम लगाएगा। आपके सिरोही जिले के अंदर कितने वोट हैं आपके समाज? सिरोही जिले के अंदर करीबन कुम्हार समाज के 9,000 वोट है, परंतु 3 विधानसभा सीट है, 2 आरक्षित है, सिरोही की सीट सामान्य है। सामान्य सीट के अंदर 50,000 कुम्हारों के वोट है और इन 50,000 वोटों की बहुत बड़ी ताकत होती है और इन पार्टियों वालों को भी पता है ये जातिवाद कोई कुम्हारों ने पैदा नहीं किया, ये जातिवाद इस कांग्रेस और बीजेपी ने पैदा किया है और जिनका बाहुल्य ज़्यादा होता है उनको ये टिकट देते हैं और कुम्हार समाज ने आज दिन दमखम नहीं दिखाया ना, इसलिए कुम्हार समाज के आए दिन ये इस प्रकार की हालत करते हैं और सुनते नहीं है। अब समाज जाग चुका है, समाज अपने स्तर पर फैसला करेंगे। आधार क्या है आपका टिकट मांगने का? टिकट मांगने का आधार ये है कि सबसे ज़्यादा कुम्हार समाज के वोट है और कुम्हार समाज अब बाहुल्य चाहता है और बाहुल्य का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अगर कुम्हार समाज को टिकट दे तो ठीक है, नहीं तो बाहुल्य के आधार पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और चुनाव समाज जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर दोनों पार्टियां टिकट नहीं देती है, दोनों पार्टियां अगर टिकट नहीं देगी तो समाज आपके सामने है, सब समाज ने अभी हाथ खड़ा करके समर्थन किया और एक बार सब हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करके समर्थन किया कि बॉम्बे पुणे जितने भी प्रवासी लोग हैं वो सारे लोग आएंगे और इनका भी वोट देंगे और दूसरा भी वोट दिलाने का काम ये समाज करेगी। और इस समाज का जो आदेश होगा, मैं इस समाज का बेटा हूँ, समाज का भाई हूँ, समाज मेरे लिए सर्वोपरि है, जो समाज कहेगी तो वहाँ मैं खड़ा रहने को तैयार हूँ, बाकी समाज का आशीर्वाद मेरे पे है और रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।